प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको इस लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक अद्भुत गवाही के बारे में बताना चाहता हूँ जो जेम्स यंग सिम्पसन के जीवन में हुई। सामान्य रूप से यदि हमें कोई चोट लगे तो हमें बहुत दर्द महसूस होती है। अगर हमें ऑपरेशन करवाना है तो एनेस्थीसिया के बिना हमारी ऑपरेशन होती है तो हमारी परिस्थिति क्या होगा, सोचने के लिए तो बहुत डरावना है ना। आज इस दुनिया में कई लाखों और करोड़ों लोग बिना दर्द महसूस करते हुए ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो उसका कारण है क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म को आविष्कार किसने किया, आइए हम इस वीडियो के द्वारा क्लोरोफॉर्म का रहस्य के बारे में जानेंगे। साल 1817 जून 7 को स्कॉटलैंड देश में सर जेम्स यंग सिम्पसन का जन्म हुआ। उन्होंने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। अपने आविष्कार के दौरान पहले सिम्पसन ने खुद पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया और वहां बेहोश हो गए। नींद से जागने के बाद वहां समझ गए कि यह दवा काम कर रही है। एक स्त्री के प्रसव वेदना के दौरान क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया गया और उनकी डिलीवरी सफल हुई और उस बच्ची को जेम्स सिम्पसन ने एक निकनेम रखा, वो है एनेस्थीसिया। तब से लेकर हर एक ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का उपयोग करना चिकित्सा क्षेत्र में शुरू हुई। उनके महान आविष्कार के कारण एक दिन उन्हें सम्मानित किया गया और एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे उनके आविष्कार के पीछे का कारण पूछा, आपको इस विचार कैसे आया। तब जेम्स सिम्पसन ने उत्तर दिया कि मैं बचपन से परमेश्वर से डरता हूँ और प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ। प्रार्थना करना और बाइबल पढ़े बिना मैं कोई काम नहीं करता। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 वचन 22 में इस तरह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया और जब वहां सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी शांति मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। परमेश्वर आदम के पसली को निकालने से पहले उसे बारी नींद में डाल दिया। इस वचन को पढ़ने के बाद जेम्स सिम्पसन को एक सोच आया कि एक व्यक्ति को ऑपरेशन करने से पहले हमें उसे बारी नींद में डालना चाहिए। गहरी नींद में लाने के लिए यदि एक दवा का आविष्कार होने से चिकित्सा क्षेत्र में ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ जड़ी बूटियों के साथ मैंने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। क्लोरोफॉर्म आविष्कार करने के पीछे का कारण है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? देखिए, जेम्स सिम्पसन के जीवन में एक अद्भुत गवाही हम देख सकते हैं। उन्होंने हर रोज बाइबल पढ़कर प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उनके जीवन को इस्तेमाल किया और एनेस्थीसिया को आविष्कार करने में मदद किया। आज हर एक ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल हो रहा है। इसका कारण है सर जेम्स यंग सिम्पसन, हर रोज बाइबल पढ़ना। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? यदि नहीं तो अभी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर ने जेम्स सिम्पसन के आंखें खोल दिया और उन्होंने अद्भुत आविष्कार किया ताकि आज भी संसार उनकी की हुई आविष्कार को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपका जीवन भी जेम्स सिम्पसन के जीवन के तरह एक अद्भुत गवाही बनना चाहते हैं? तो आप भी बाइबल पढ़िए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर हमें आपकी राय बता सकते हैं। भूलना मत लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर कीजिए। प्रभु की अनुग्रह और उसकी आशीष आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।